हेलो यार, व्हाट्स अप गाइस। यार ये देखो, ये वाली मैंने एक सीरीज़ बनाई है। जैसे एक सीरीज़ तो नहीं है, मतलब अगर आप इस पर अच्छा सपोर्ट दिखाओगे, मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। ये स्पोर्ट्स फेल्स, मतलब इसमें भाई यार मैंने बहुत सारे स्पोर्ट्स को इंक्लूड किया है, जिसमें भाई लोगों ने अपने कर्मे दिखाए। भाई ये देखो, पहला देख लेते हम WWE, जैसे कुछ है WWE। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि भाई जेसन सोलोमन करके कोई फाइटर जैसा है, वो अपने भाव को जप्पी दे रहा है उसके पहले। और ये देखो, उसने कम से कम आधे घंटे की एंट्री लगाई, और जब ये रिंग में एंटर करेगा तो आप देखना बस क्या होगा। और ये इसके दिखा रहे हैं अवार्ड जनी डैमेज, बंदे को गाड़ देता है, लेकिन ये खुद ही कट जाता है। और ये अपने रेफरी को दिखा रहा था, अपने अंग की बात सुंगा रहा था, लेकिन वो बोलता है कि नहीं भैया, हमको तुम्हारे से ग्लव देखना। और ये बंदरों की तरह जम मारते हुए बहुत ही शानदार से, और अभी अपनी महिलाओं को अपनी उंगली उंगली दिखा रहे हैं। और यहाँ पे आ जाते हैं, अब उनको चुम्मी भी दे दी उन्होंने, अपने ओपोनेंट को टॉन्ट भी किया इस हिसाब से जैसे वो उसको मैच के पहले खा जाएंगे। और ये और थोड़ा शो ऑफ करते हुए अपने भाव से बोल रहे हैं, तुमको एक और छुपी छुपी चाहिए कि नहीं, लेकिन वो बोलता नहीं, अब मैच शुरू होने वाला है तो मैच पे ध्यान दो। और ये आ चुके हैं, ओ माई गॉड, ही सो कॉन्सेंट्रेटेड। अब देखते हैं, ग्लव टच हो गया है, अब देखते हैं क्या होता है। ये जेसन सोलोमन पूरे कॉन्फिडेंस से, ये मैच शुरू हो चुका है। और वेट वे, ये क्या हुआ? अरे भाई जेसन भाई, तुमने क्या किया, कद्दू बनाया। और ये भाई अगला शुरू हो चुका है। ये भाई बास्केटबॉल का फेल था, बास्केटबॉल मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्पोर्ट है। तो ये बास्केटबॉल का आ चुका है यार, रुक जाओ अभी, मतलब ये नॉर्मल कुछ ट्रायल से चल रहे हैं और सब आके बास्केट मिस करके जा रहे हैं, या कोई कोई लोग ही डाल पा रहे हैं। तो उस मैंने फास्ट मोशन में कर दिया, अभी ये वाले बंदे को देखो आप। और बीच में एक ढिंचक पूजा का फैन आ जाता है जो बोल रहे हैं नाच के पागल हो जाओ। और ये वाले बंदे को देखो, वाओ भाई, मैंने आज तक देखा कि बॉल रिंग के थ्रू जा रही है, लेकिन ये बंदा ही रिंग के थ्रू चला गया। और अब अगला स्पोर्ट आ जाता है वॉलीबॉल। और ये जो ब्लू प्लेयर है जो आपको सामने दिख रहा है अभी, भाई वो जिता देता है यार मैच। ये देखो, वो टॉस कर रहा है, यहाँ पे उन्होंने बॉल टॉस करी और ये मारा, लेकिन उसके मुंह पे लग गई और ये बॉल उछल जाती है और उन्होंने वापस दिया और ये उनको एक पॉइंट मिल जाता है। वाओ, और ये हम रीप्ले देख रहे हैं, एकदम स्लो मोशन में उस बेचारे के मुंह पे लग गए और बॉक्स को कांग्रेच मतलब थैंक यू कर रहे हैं कि तुमने बचा लिया यार, थैंक यू। और अभी फिर उन्होंने फिर से बॉल टॉस कर दिया, पीछे लोग नाच के पागल हो रहे हैं। और ये इसने फिर से बॉल ब्लू टीम की तरफ से बहुत अच्छा डिफेंस बॉल, और ये फिर से उसके मुंह पे लग गया हो भाई, जितनी बार भी देख रहा हूँ मुझे हंसी आ रही है। और इसके मुंह पे लग, और ये मैच जीत चुकी है भाई टीम। इस बेचारे का मुंह देखो पूरा लाल हो गया। डॉक्टर या इनका पता नहीं कोच है, उसको आने की जरूरत पड़ गई। अगला है क्रिकेट और जिमनास्टिक्स चल रहा है यहाँ पे क्रिकेट की बजाय। बंदा पूरा का पूरा विकेट के ऊपर से टाप गया, लेकिन नहीं भाई, उसको लगी हुई है वहां पे पेट पे बेचारे को बॉल लगे। दूसरे वाले बंदे को कोक पीने का मजा आ रहा है, मतलब अलग ही लेवल के नशे भाई। तो रीप्ले देखते क्या हुआ, बैट्समैन के पेट पे लगे और उसने पूरा का पूरा ऊपर से चीर फाड़ के चला गया विकेट्स को। वाओ, तो यार अब अगला देख रहे हैं जिनके रैना यहाँ पे रुके हुए हैं कि भाई जब ये डॉग भर जाए तब वो अपना मैच शुरू करेंगे। मतलब सही है यार भाई, इतना मतलब इंडस्ट्री फ्लरेज हो चुके क्रिकेट के। ऋषभ पंत उसको बहुत स्टाइलिश वे से उतार रहे हैं, उसकी पैंट उतार रहे हैं ऋषभ पंत, लेकिन डॉग ने भी उसकी बेइज्जती करके इनकार कर रहा है। और ये भाई SRH उनके देख रहे हैं, और ये कोई उनका खिलाड़ी मजे ले रहा है। और ये आते हैं टेक्निकल सपोर्ट वाले लोग, और ये डॉग को भगाने में पूरा मैच रुक गया है। मतलब भाई व्यूअर्स जो ऑडियंस होंगे उनको भी मज़ा आ गया होगा इस मैच की। 500 करोड़ रुपए में एक टिकट बिकेगी। डॉग को देखो पूरे स्टेडियम का चक्कर लगाते हुए, वाओ। और अब हम देख रहे हैं दूसरा, इसमें ये खिलाड़ी हमारे WWE के एंटर नहीं कर पा रहे, उन्होंने नया वे नागिन नीचे से आ गया, नागिन ने से तैर के आ गया जैसा नागिन तैरती है ना। और अब तो मैच खत्म हो चुके, वो जीत चुके, और अब पार्ट है कि वो बाहर कैसे जाए। वाह, उन्होंने कोशिश करी लेकिन वो ट्रिप हो गया और ये गोला गोला मारते वो बाहर गिरे। अब देखते हैं फिर से करीब ले, वाह मतलब भाई अच्छे से चढ़ भी नहीं पा रहे। और ये मैच फुटबॉल का है, फुटबॉल का फेला। ये क्या हुआ, एक सेकेंड, ये क्या हुआ भाई, उसने खुद को अपने नाक पर लगवा लिया। और ये क्रिकेट का आ चुका है, और ये मतलब उनके सिर्फ एक छोटा सा क्रैम्प आया था, लेकिन जब देखने में बहुत हंसी आ रही थी।
उनको छोटा सा क्रैम्प आया था और वो गिर गया, ऐसा लगा जैसे उनको कुछ किसी ने दूर से गोली मार दी हो, लेकिन कुछ नहीं, क्रैम्प था। और दूसरा ये है कि जीतने से पहले कभी भी सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए तो, और ये लेकिन नहीं भाई, ये वाले बंदे को सेलिब्रेट करना था। और दूसरा, अगर कौन बोलते स्टेडियम में बैठ के मजा आता है मैच का देखने का, और ये देखो जब ऐसे 7-7 फुट के जायंट 400 किलो लेकर आप पे गिरेंगे ना, तो आपके साथ तो होएगा सिर्फ हादसा। तो यार वीडियो मजा आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। यार आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। टिल देन बाय बाय, मैं आता हूँ किसी और एक अच्छी वीडियो पे।